हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने देवप्रयाग का वीडियो अपलोड किया था, शायद आपने देखे होंगे। उस समय मैंने कहा था कि यहाँ उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग का भी दर्शन कराया जाए। तो आज मैं पहले नंदप्रयाग आया हुआ हूँ। यहाँ पे मुख्य नदी अलकनंदा और नंदाकिनी नदी की संगम होती है। चलिए देखते हैं ये संगम। ये देखिए, यहाँ संगम हो रही है। ये यहाँ मुख्य नदी अलकनंदा है जो नंदाकिनी से मिलती है। मिलने के बाद आगे भी इस नदी को अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ अगर आप आना चाहें तो ऋषिकेश होते हुए आना होगा। ऋषिकेश से यहाँ तक की दूरी करीब 200 किलोमीटर की है और यहाँ से आगे बद्रीनाथ के लिए निकलती है। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी करीब और 100 किलोमीटर होगी। कोई अगर हेली के द्वारा आना चाहे तो देहरादून से गोचर आए, गोचर से फिर गाड़ी के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। कोई आएंगे तो आशा करता हूँ उनको भी ये जगह काफ़ी पसंद आएगा। ये देखिए क्या सुंदर संगम है ये। चलिए तो अभी हम विष्णुप्रयाग की ओर चलते हैं। ये जोशीमठ है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे विष्णुप्रयाग है। चलिए हम आगे विष्णुप्रयाग की ओर चलते हैं। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर बद्रीनाथ भी है। ये देखिए, ये विष्णुप्रयाग है। ये अलकनंदा नदी आ रही है और उधर से धौली गंगा आ रही है और यहाँ पे मिलन हो रही है। देखिए ये मिलन। आगे भी ये नदी अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।